सब क्लास 482 एंड सब क्लास 494, उन दोनों में से बेटर कौन सा है? तो आज चलिए जानते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं 482 और 494 का। एक बीच में लाइन बना के दो साइड पे लिख दीजिए कि 482 और 494। अब होता क्या है कि 482 वीजा में अगर आपको पीआर चाहिए तो 2 साल के बाद मिल जाती है, जो नए चेंजेस आए हैं उसमें। लेकिन 494 में अगर आप 191 वीजा अप्लाई करने जाओगे तो वो 3 साल के से ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन अल्टीमेटली प्रोसेसिंग टाइम दोनों का सेम हो जाता है, बिकॉज 186 का प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है और 191 का प्रोसेसिंग टाइम कम है। लेकिन अगर 482 में जाते हो तो आपको स्किल असेसमेंट मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस में नहीं चाहिए, कुछ ऑक्यूपेशन है गिने चुने, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो देख लीजिएगा। तो वो जो ऑक्यूपेशन है उनके सिवा के सारे ऑक्यूपेशन को स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए, लेकिन 494 वीजा करने जाते हो तो आपको 100% स्किल असेसमेंट चाहिए। दूसरा है, 482 में सिर्फ 5 बैंड का रिक्वायरमेंट है, 5 ईच, लेकिन अगर आप 494 में जाते हो तो 6 ईच आपका मस्ट हो जाता है, कॉम्पिटेंट इंग्लिश आपको अचीव करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक हो जाता है कि ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन 482 के लिस्ट में है तो यस, इट इज अ वेरी नाइस वीजा टू गो अहेड विद दैट। लेकिन 494 का ऑक्यूपेशन लिस्ट बहुत ही वाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ऑक्यूपेशन 482 के वीजा में फॉल नहीं होता है तब जाके आप 494 का सहारा ले सकते हो एंड आप अपना पीआर कर सकते हो। तो आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है कृणाल नायक, आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन, और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।